नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। चुनावी दौर है, ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशियों का नामांकन और जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के मुद्दे बता रहे हैं, साथ ही जनता के हित और विधानसभा के विकास की बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ प्राइम चर्चा में BSP उम्मीदवार गौरव रघुवंशी जुड़ेंगे और बताएंगे क्या है उनके चुनावी मुद्दे, कैसा है विधानसभा का हाल, कौन सी समस्याएं हैं उनकी विधानसभा में और जीतने के बाद किस किस क्षेत्र में करेंगे विकास। इन्हीं सब चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं BSP प्रत्याशी गौरव रघुवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है गौरव रघुवंशी जी आपका प्राइम चर्चा में। जिस तरह जी BSP ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारी विधानसभा है, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक और प्रबुद्ध है। विधुना विधानसभा में पिछले 30 वर्षों से दो परिवारों का ही सत्ता में अदला बदली होती रही। एक साथ विनय शास्त्री जी का परिवार, एक श्री धर्मेंद्र वर्मा जी का परिवार। लेकिन क्या है कि वो विभिन्न दलों की राजनीति करके विभिन्न दलों में परिवर्तित होकर इधर से उधर जाके लोगों के बीच जाते रहे। अब समस्या ये आई कि जो आम जनता है उनकी समस्या से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। वो अपने जाति समीकरण या आप ये कहिए कि विकल्प के अभाव में हमेशा जनता द्वारा चुने गए। आज मेरा विधुना की विधानसभा में जो मतदाता है उनसे यही अनुरोध है कि इस बार परिवर्तन करिए और मैं विधुना विधानसभा में परिवर्तन करूंगा। यहाँ की समस्याएं बहुत विकट समस्याएं हैं। यहाँ चिकित्सा शून्य है, यहाँ शिक्षा शून्य है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, सत्ता और युवा यहाँ सत्ता के संरक्षण में चलता है। मैं ये सारी समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी समस्या विधुना की ये है कि यहाँ तक कोई भी जनप्रतिनिधि विधुना विधानसभा से जो भी चुन के गए हैं आज तक विधानसभा में, उन्होंने यहाँ के किसी भी लोकल मुद्दे को वहाँ पे विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया है। मेरा यह प्रयास रहेगा यहाँ की जो भी समस्या है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है मैं पूर्णतया उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे यहाँ जिले से लेके विधानसभा स्तर तक जहाँ भी प्रयास करना पड़ेगा मैं करूंगा। गौरव जी, आपके विधानसभा में इस वक्त मौजूदा समय में कौन विधायक है और उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं? क्योंकि 5 साल का समय मिलता है हर विधायक को काम करने के लिए, अपनी विधानसभा का विकास करने के लिए। जिस तरह से आप बता रहे कोई विकास नहीं हुआ है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर इस वक्त मौजूदा समय में विधायक कौन है? शिखा जी, हमारे यहाँ विधायक विनय शाकी जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से ही गए और वो पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा ज्वाइन, लेकिन उन्होंने पिछले 2 वर्षों से तो वो लाइव है और उनके प्रतिनिधि के रूप में देवेश शाकी जी जो उनके भाई है वो कार्यरत है, लेकिन विकास के नाम पे उनकी उपलब्धि कोई नहीं, शून्य है। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ एक जाति विशेष की राजनीति की, एक जाति विशेष की समस्या का समाधान किया, बाकी पूरी क्षेत्र की जनता जो अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित रही या किसी भी कार्य के लिए वंचित रही, थाने और तहसील यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे हो गया और लोग जो आम जनता है वो थाने में या तहसील में जाने से ऐसे घबराती है जैसे पता नहीं क्या है। उसके लिए तो यह है कि कोई नेता मिल जाए उसके माध्यम से थाने चले जाए या तहसील चले जाए। मैं ये चीज खत्म करना चाहता हूँ, आम जनमानस निसंकोच बेधड़क थाने में या तहसील में जाए और अपनी शिकायत दर्ज कराए और अपने काम करे। जी गौरव जी, जिस तरह से आपका ये भी मुद्दा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात क्यों आ रही है? क्योंकि मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि इस वक्त सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, जो अपराधी हैं और अपराध है दोनों पे लगाम लगाया जा रहा है। शिकार जी, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। सांकेतिक कुछ कार्य हुए इस सरकार में जिसको इन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इससे हर जगह की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और दूसरी चीज, इस सरकार में जो मैं देख रहा हूँ नेता पूर्णतया निष्प्रभावी है। ये पुलिस या जिले का प्रशासन पूर्णतया लखनऊ से केंद्रित रहा, लखनऊ से निर्देशित रहा। अब आप ये बताइए, कोशिश की देने की समस्या अगर जनप्रतिनिधि नहीं समझ सकता है, जनप्रतिनिधि नहीं कह सकता है, तो मुख्यमंत्री जी तो हर थाने में या हर तहसील में कहेंगे नहीं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि
जो विचार इन्होंने मुख्यमंत्री जी का था कि यहाँ से मैं लखनऊ से हर चीज मैनेज करूंगा, इतना बड़ा प्रदेश है ये संभव नहीं है, आपको अपने प्रतिनिधियों को अधिकार देने पड़ेंगे, और पिछली सरकार ने जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन ले रहे इस मामले में। जी गौरव जी, किन नीतियों और मुद्दों के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा के लिए यहाँ पे जो केवल एक या दो स्कूल प्राइवेट स्कूल है जिनमें शिक्षा का हो रहा है, बाकी कोई भी स्कूलों में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, ना वहाँ के जो भवन है वो काफी जर्जर स्थिति में है, टीचरों की उपस्थिति शून्य रहती है, कहीं तो आपके बच्चे शून्य रहते हैं, कुछ विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षक लोग अपने प्रयासों से, सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो लोग अपने प्रयासों से बच्चों को लाते हैं, शिक्षित करते हैं। दूसरा मामला है चिकित्सा का। हमारे यहाँ आप किसी भी इसमें चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ विधुना तहसील का मुख्यालय है, विधुना में सीएससी है, यहाँ पर आप एक्सरे कराने जाएंगे तो आपको एक्सरे की सुविधा तक नहीं उपलब्ध है, जो मूलभूत सुविधा है। तो मैं इस तरह की समस्याओं का समाधान करना चाहूंगा, इसके लिए मुझे यहाँ से लेकर लखनऊ तक लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे तो कई मुद्दे होते हैं हर एक विधानसभा में, लेकिन जिस तरह से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं तो यही मुद्दे बाकी पार्टियों के चुने गए प्रत्याशी भी उठा रहे होंगे, तो आपके ऊपर जनता क्यों विश्वास करे? आखिर क्या वजह बताएंगे आप जनता को अपने पक्ष मिलाने की? मैं 2009 से जनता के बीच में हूँ। जनता जानती है कि गौरव रघुवंशी की पत्नी और कर्नी में अंतर नहीं है। बाकी जो हमारे प्रत्याशी है, जैसे की कांग्रेस के प्रत्याशी है या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है या भाजपा के प्रत्याशी, इन प्रत्याशियों को विधुना विधानसभा में आए हुए मुश्किल से किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए, किसी कोई तो टिकट मिलने के बाद आया विधुना विधानसभा में। रही बात हमारे भाजपा प्रत्याशी की, जैसे कि भाजपा एक बात करती है जो आपको भी जानकारी होगी, श्री राम जी की बहुत बात करती है, भगवान श्री राम के आधार पे वो वोट भी मांगना चाहती है, भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगती भी है, भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांगती है, जो न्यायालय कार्यकर्ता है उसको भी उसका श्रेय भी भाजपा ले लेती है। चलिए वो ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन एक चीज बताइए, भगवान श्रीराम जो थे उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास ले लिए थे, ये सबको जानकारी है, जो भी हिंदू वंश से, मैं तो रघुवंशी हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, उनका अंश हूँ, जो भी व्यक्ति हिंदू है उसको ये जानकारी है, भगवान श्रीराम ने अपने पिता की आज्ञा के तहत 14 वर्ष का वनवास ले लिया था। जहां तक हमारे भाजपा प्रत्याशी की बात है, इनके पिताजी पिछले 2 वर्षों से बीमार हैं, इनके चाचा देवेश शास्त्री जी उनकी 2 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, रिया शास्त्री जी का कोई संपर्क नहीं रहा, ये जनता जानती है, एक एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि थे, हर व्यक्ति उनसे मिलने जाता था, तो वहां पे केवल देवेश शास्त्री जी दिखाई देते थे, रिया शास्त्री जी का आता पता नहीं था, लेकिन जब विनय शास्त्री जी ने भाजपा छोड़ी तो उनको एक मौका लगा कि टिकट पाने का, तो उन्होंने अपने चाचा अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिया, उन्होंने अपहरण कर लिया, कई दिन मीडिया पे छाए, इनकी उपलब्धि केवल इतनी है कि अपने चाचा के ऊपर अनर्गल आरोप लगा के मीडिया की सुर्खियां बटोरी, जिसकी वजह से कुछ लोग जान गए। आज मैं दावा करता हूँ, मैं भाजपा प्रत्याशी से अगर कह दूं, किसी गाँव का नाम बता दूं विधुना विधानसभा का, तो वहां उनको रास्ता नहीं मालूंगा, बिना सहायता के वो पहुंच नहीं सकते इस, और ये चीज विधुना का एक एक व्यक्ति जानता है, मैं 2009 से लगातार विधुना में सक्रिय हूँ, लगातार एक एक गांव, एक एक घर में मेरा परिचय है, और आप विश्वास रखिए इस बार चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। जी गौरव जी, बीएसपी की कौन सी नीतियों से प्रभावित हो कि आप बीएसपी के साथ हैं? देखिए बीएसपी का जो 2007 से लेकर 2012 तक की अगर शासन की बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना कहे कि शासन प्रशासन एकदम सही था, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त थी, और उसका कारण क्या है, इसका प्रचार प्रसार केवल लोग करते हैं, लोग बोलते हैं, और इसका प्रचार प्रसार मीडिया नहीं करती है, मीडिया का सहयोग हम लोग को उस स्तर पे नहीं मिलता है जिस स्तर पे अन्य दलों को मिल जाता है, लेकिन इससे मैं मीडिया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये लोगों की अपनी व्यवस्था होती है, उस तरह से काम करते हैं, लेकिन बहन जी का विश्वास रहता है प्रचार प्रसार पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान रहता है। आज भी लोग बीएसपी को जो लोग एकदम शून्य मानकर चल रहे हैं चुनाव में, लड़ाई सपा और भाजपा मान रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह 2007 में बिना किसी के अनुमान के बीएसपी ने सरकार बनाई, 2012 में बिना किसी के अनुमान के पूर्व बहुमत से अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई,
2017 की अगर मैं बात करूं तो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित बीजेपी को 330 सीटें नहीं दे रहे थे, उसी दौरान उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सारे राजनीतिक पंडितों का आकलन एकदम धरे सिरे से नकार देगी। और मुझे ये विश्वास है कि बिना बीएसपी के या तो मैं हम सरकार बनाएंगे या तो बीएसपी के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। गौरव जी, जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया प्रचार नहीं करती है, तो बीएसपी की तरफ से भी जो प्रवक्ता होते हैं जो कि मीडिया चैनल्स पे जाते अपना मत रखते हैं, तो वो भी तो नहीं है। अब जो है कुछ प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं माना जाए तो सोशल मीडिया से भी दूर है। जिस तरह से बाकी की पार्टियां हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, हर एक मुद्दे को उठाती है, बीएसपी कहीं ना कहीं इसमें पीछे भी है, तो इसका भी चुनाव पे असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? शिखा जी, देखिए हमारा जो वोटर है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है या हमारा कैडर है, वो जमीन पे काम करने का विश्वास रखता है, वन टू वन संपर्क करने का विश्वास रखता है, व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क करता है, वो सोशल मीडिया के भरोसे दुष्प्रचार को विश्वास नहीं करता। देखिए सोशल मीडिया जब से आया है, सीता जी इस बात पे आप भी स्वीकार करेंगी कि तमाम सही बातें होती है तो तमाम गलत बातों का प्रचार प्रसार होता है, कहीं पे गंदा दिखा दिया जाता है, कहीं पे जाति उन्माद भड़का दिया जाता है, इन सब के पीछे सोशल मीडिया है। हम बहन जी का सीधा मानना है, हमारा जो कैडर है, हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतना मजबूत है, वो व्यक्ति की व्यक्ति संपर्क कर सकता है। आज पूरे विधानसभा में अगर जाति आधार पर जनगणना कही जाए तो हमारी बसपा कैडर के पास है और किसी पार्टी के पास सब आकलन के आधार पर बात करते हैं। बीएसपी जमीन पे काम करती है, व्यक्ति को व्यक्ति संपर्क करती है, एक एक व्यक्ति से बात करती है, इसलिए हम लोग का ये विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा ये होगा कि या तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, किसी कारण से अगर सरकार नहीं बनाए तो बिना हमारे सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बनाने जा रहा है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। गौरव जी, जिस तरह से सब कुछ हाईटेक हो रहा है, डिजिटल रूप से चल रहा है और इस तरह से बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है क्योंकि आचार संहिता लागू है लेकिन डिजिटल माध्यम से प्रचार करने की अनुमति है, जनसंपर्क करना, जनता के बीच जाना, ये तो सही है लेकिन समय के साथ चलना ये भी काफी अहम होता है, तो क्या इसके ऊपर बीएसपी ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, बीएसपी ध्यान दे रही है और अभी लगातार जैसे कि कपिल मिश्रा जी इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आगे आने दो वर्षों में आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। अब जो नई सोच जो जुड़ रही है बीएसपी के साथ, वो लोग इस पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं और दो वर्षों में पूरे डिजिटल मीडिया में आपको बीएसपी दिखाई देगी। जी, आज जिस तरह से आगरा पहुंची है मायावती, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? आज जनता के बीच रहेंगी, आज जनता से जनसंवाद करेंगी, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए आपको मैं बताऊं कि केवल दो ही नेता ऐसे हैं जिनको मैं नेता मानता हूं, एक माननीय मुलायम सिंह जी और एक मायावती जी, जिन्हें जन नेता माना जाता है। जी। जनता जिन पर विश्वास करती है, जनता जिनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। माननीय बहन जी जिस समय एक आवाज उठाएंगे, लखनऊ से एक उनचार करी थी, उन्होंने रैली की थी, पूरे पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला गया था। बहन जी का केवल बाहर निकलना और एक केवल चंद मीटिंग करना ही पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कर देगा और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भर देगा और हम लोग बहन जी का संदेश लेकर जन जन तक जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि बीएसपी कहीं गायब सी होती नजर आ रही है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, जिस तरह से आज मायावती निकली है चुनावी सभा करने के लिए और जिस तरह से जनता के बीच जाएंगी, इसका काफी असर तो देखने को मिलेगा। वहीं एक वोटर भी माना जाता है कि बीएसपी का एक पक्का वोटर रहता है जो कहीं नहीं जाता है, तो इसका कितना फायदा हो सकता है इस चुनाव में? शिखा जी, पिछले चुनाव में आज देखिए वोटों की संख्या की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 40% वोटों पे गई थी। बीजेपी परसेंट अगर वोटों की परसेंटेज की बात करें तो हम 23% से दूसरे नंबर, लेकिन सीटों की संख्या में हम कमजोर पड़ गए थे। समाजवादी पार्टी अगर मुख्य विपक्षी दल है जो, वो हमसे वोटों के प्रतिशत में कम था। अगर आप आंकड़े उठा के देखें, आंकड़ों की बात करें तो हमारा वोटर कहीं नहीं जा रहा है, बस समीकरण बनने की देर होती है। इस बार समीकरण हमारे पक्ष में नजर आ रहे हैं और हम लोगों ने प्रत्याशी जो दिए हैं वो बढ़िया दिए हुए हैं और जाति समीकरण के हिसाब से हमको जो साधना है उस तरह से हम काम कर रहे हैं और हमारा जो वर्क है वो ग्राउंड लेवल पे है, हमारा सर्वे ग्राउंड लेवल पे है और सारी चीजें आपको 10 मार्च के बाद आपको दिखाई देगा कि परिणाम जनता ने क्या चुना है। गौरव जी, आज सारे वर्गों का समर्थक हमारे साथ। जी गौरव जी, अगर बात करें आपकी विधानसभा की, तो वहाँ पे वोटर क्या देखता है? क्या पार्टी को देख के वोट देता है या फिर जो है जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसको देख के? क्योंकि आपने ये भी बताया है कि जो परिवारवाद है उसको खत्म करना चाहते हैं आप, आपके मुद्दों में से एक है, तो इसमें क्या कहेंगे? जी शिखा जी, देखिए क्या है ना कि जब चुनाव होता है
तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कभी कभी राष्ट्रीय मुद्दे लोकल मुद्दों पे हावी हो जाते हैं। इस चुनाव में कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा या सेंट्रलाइज मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है आपका प्रत्याशी और प्रत्याशी का जनता से जुड़ाव। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी दल चुनाव जीतता है तो आप विश्वास रखिए, अगर 60% वोट पार्टी का होता है, 40% वोट प्रत्याशी का होता है, अगर एक भी वोट कम हो गया तो चुनाव हार जाते हैं। इस समय विधुड़ा की जनता प्रत्याशी और दल दोनों के साथ पूर्णतः समर्थन में खड़ी हुई है और आप विश्वास रखिए कि इस बार हम लोग बड़ी जीत हासिल करेंगे विधुड़ा में। जी बिल्कुल। अब हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनावी माहौल है और लगभग आधी जनता सत्ता दोहराना चाहती है, तो वहीं लोग कुछ परिवर्तन भी चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, जनता के लिए काम हो, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, खासकर अपनी विधुड़ा विधानसभा की जनता से, कि 30 लोगों से दो परिवारों को जो साम्राज्य है, जो राजा ही है एक तरह से, जिसे मैं मानता हूँ, इसे लोकतंत्र नहीं मानता हूँ मैं, इसे राजा ही मानता हूँ, कि एक ही परिवार के लोग चुने जाते हैं, एक ही परिवार के लोग समीकरण बना के दूसरे दलों में जाके चुन लिए जाते हैं, उन लोगों को घर फेंकना है। दूसरा, हमारे विधुड़ा की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे प्रत्याशी चुन लें जो रात को 12 बजे भी आके खड़ा जाए, रात को 2 बजे भी आपकी जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा हो। ये नहीं कि ऐसे लोगों को चुन लीजिए जो यहाँ से चुन के लखनऊ बैठ जाए या कहीं और बैठ जाए, तो जिससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, आपका भला वही प्रत्याशी करेगा जो 24 घंटे आपके साथ खड़ा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ प्राइम चर्चा में 202 विधुना सीट से बीएसपी उम्मीदवार गौरव रघुवंशी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनके विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें विकास और सुधार की जरूरत है, जिसके लिए वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के विकास के लिए काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे और जो भी समस्याएं उनको दूर करने का काम करेंगे। आज की प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, अगली चर्चा में फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे और जानेंगे उनकी विधानसभा का हाल। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।